आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मदर्स डे के मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से कई स्कूली बच्चे और आम लोग मिलने पहुंचे, जहां बच्चों ने सांसद को कई गिफ्ट दिए। वहीं इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी ने माँ की महिमा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से मिलकर खुशी जताते हुए सभी को मदर्स डे की बधाई दी। तो वहीं सांसद ने कहा कि लोग ऐसे ही उन्हें प्यार और सपोर्ट करेंगे तो वह लोगों के साथ मिलकर कई काम कर पाएंगी। एंड मुझे ये सब गिफ्ट किया, और ये भी एक बहुत एक लड़की ने खुद बनाया है ये ऑन मदर्स डे। मथुरा के कई लोग आके कई अच्छे अच्छे गिफ्ट किए हैं, खुद हाथ से पेंटिंग किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड सबको मैं बता रही हूँ मदर्स डे के लिए गुड विशेस टू ऑल द मदर्स एंड ऑल द बेबीज चिल्ड्रन। अभी आपने तो मुझे राधा बोला, राधा जी बोला था, कभी राधा कभी यशोदा, इज वेरी नाइस ब्यूटीफुल फीलिंग कि ऐसा इस किस्म के भाव के साथ मुझे देखेंगे, मुझे आप लोग प्यार करेंगे, मैं भी आपके साथ रहकर बहुत सारा काम आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मथुरा में वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 67 में कई महीनों से सीवर की सफाई ना होने के कारण जब गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग गंदे पानी में उतरकर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोगों ने स्थानीय पार्षद पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं गंदगी के चलते बीमारी फैलने की बात कहते हुए ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मथुरा में वृंदावन स्थित रामनगर कॉलोनी में एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया। वहीं घटना के बाद परिजनों ने एक युवक को नामजद करते हुए कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें पीड़ित मां ने बताया कि उनकी बेटी घर से बाजार जाने की बात कहकर गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। वहीं जब उसकी तलाश की गई तो उन्हें युवक द्वारा किशोरी को साथ ले जाने की जानकारी हुई। वहीं अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंगल पांडे और बुलेट राजा जैसी बड़ी फिल्मों की पटकथा लिखने वाले लेखक अमरेश मिश्रा बुलंदशहर के सिकंदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के बीच क्रांतिकारियों की जीवनी और बलिदानों पर रोशनी डाली। वहीं देश में चल रही राजनीति पर कहा कि आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है जो देश की जड़ों को कमजोर कर रही है। इस दौरान उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली एक रैली की जानकारी भी दी। हमीरपुर के राटनगर में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत होने के बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण बाइक चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर से टकरा गया। तो वहीं इस हादसे में जहां गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, वहीं चालक की भी मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में फुगाना के मेरठ करनाल राजमार्ग पर बस का इंतजार कर रहे लोगों को एक अनियंत्रित डीसीएम ने रौंद दिया, जिससे एक महिला सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेरठ रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया, साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई शुरू कर दी। बहराइच के हरदी में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे एक बंगाली डॉक्टर की क्लिनिक पर काम कर रहे युवक की लापरवाही से एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुखार होने की वजह से बच्ची के परिजन उसे क्लिनिक पर दिखाने लाए थे। वहीं आरोप है कि क्लिनिक पर काम करने वाले युवक ने बच्ची को गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी जाँच शुरू कर दी। बहराइच में बारात लेकर जा रही एक बस की ट्रॉली से आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बस और ट्रॉली दोनों अलग अलग साइड में खाई में जा गिरे। वहीं बस के पलटने से एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची और राहत कार्य में जुट गए। बताया जा रहा है कि कोरियन पूर्वा निवासी के बेटे की बारात कुसौ गाँव के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। एटा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 8 छाते अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 अवैध तमंचा और 8 जिंदा व 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट की कई घटनाओं में लूटी गई संपत्ति और नगद रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं अब पुलिस गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है।
शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 301 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया, जिसमें 5 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह पढ़वाया गया। इस कार्यक्रम में जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए भाजपा विधायकों सहित जिले के सभी अधिकारी पहुंचे हुए थे। इस सामूहिक विवाह में सभी जोड़ों को 20,000 का अनुदान और 10,000 तक का घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिया गया। फिलहाल सरकार की इस पहल से सभी नवविवाहित लाभार्थी खुश नजर आए। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।